वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मशकूर अली और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने आधार की स्लिप से आप किस तरह से भर सकते हैं। सपोज़ कीजिए लास्ट डेट होने वाली है और आपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन कराया है और वो आधार कार्ड अभी आया नहीं है, तो आप किस तरह से आधार की जो स्लिप है उससे आप फॉर्म भरेंगे उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आधार नंबर जो है बाई मिस्टेक किसी और के फॉर्म में लग जाता है तो हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप आधार स्लिप से फॉर्म भर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गलत अकाउंट नंबर लगा दिया और अकाउंट नंबर गलत हो चुका है हमारा, और जो है हमें दूसरा फॉर्म भरना है लेकिन हमारा जो आधार था वो रजिस्टर हो चुका गलत वाले फॉर्म पर, क्योंकि अकाउंट नंबर करेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो इसलिए हम फिर जो अपना अकाउंट है उसको लगाकर और आधार की स्लिप से हम नया फॉर्म भर सकते हैं और जो आधार नंबर से फॉर्म भरा गया है उसको हम रिजेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों, तो इसके लिए आधार स्लिप से फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है कि किस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। जो भी ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर टाइप कीजिए गूगल, उसके बाद टाइप कीजिए NSP पोर्टल। ठीक है, ये जो पहला लिंक होगा scholarship.gov.in, इसको आप ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है फॉर्म किस तरह से भरे जाते हैं, ये ID का इंटरफेस है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका। यहाँ पर देखिए लॉगिन पर जाते हैं 2018-19, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों इसमें जो है हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं सेम वैसे ही करना है, लेकिन एक फंक्शन है देखिए यहाँ पर, आप जो है यहाँ पर अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट का नेम, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम इंसेंटिव स्कीम स्कॉलरशिप स्कीम पर क्लिक कर लीजिए 111993। जेंडर है मेल, मोबाइल नंबर है मेरा 9630000000, ये मेरा नंबर है, कोई भी कॉल कर सकता है। मेल आईडी आपको बता देता हूँ, मेल आईडी क्या है मेरी, यहाँ पर अपना जो IFSC कोड है वो एंटर कर लेते हैं, जो भी बैंक का IFSC कोड है। यहाँ IFSC कोड डालने के बाद ऑटोमेटिकली बैंक का नाम यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है, इसको कॉपी करके इसमें भी पेस्ट करना है। ये देखिए बैंक का नाम आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ अकाउंट नंबर डाल देते हैं जो भी डालना चाहते हैं आप। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, ये आ गया नाम यहाँ की। देखिए आधार कार्ड है, जैसे आधार कार्ड का नंबर आपका कहीं लग चुका है या फिर आधार से आप नहीं करना चाहते हैं या आपका आधार वेटिंग में है अभी आया नहीं है, ठीक है, उस केस में हम आधार नंबर सेलेक्ट ना करके अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। देखिए अकाउंट नंबर हमने सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद यहाँ देखिए अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा बैंक पासबुक कॉपी फाइल टाइप PDF एंड JPG मैक्सिमम 200 KB, यानी 200 KB से कम की होनी चाहिए। बैंक की पासबुक की स्कैन कॉपी आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। ठीक है, बैंक की कॉपी अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए आधार की स्लिप का एनरोलमेंट नंबर डालेंगे पूरा, जो भी एनरोलमेंट नंबर आपकी स्लिप पर है, और यहाँ डेट एंड टाइम पूरा यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद इसकी भी एक स्कैन कॉपी जो 200 KB से कम की हो उसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको करके दिखा देता हूँ अपलोड किस तरह से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सेलेक्ट कर लिया हमने, देखिए यहाँ ये आ गई, सेलेक्ट हो गई फाइल, और यहाँ हम और सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गई। ठीक है, अब उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके हम इन दोनों पर क्लिक करके, यहाँ आधार का वेरिफिकेशन का होता है, तीन होते हैं लेकिन आधार से नहीं कर रहे हैं इसलिए इन दोनों का आया है। अकाउंट डिटेल मस्ट बी एंटर करेक्ट, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउ आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर हम ये राइट क्लिक करके कैप्चा कोड एंटर करके रजिस्टर करेंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी ID होगी एप्लीकेशन ID वो आपको मिल जाएगी, और उससे आप फिर नॉर्मली जैसे कि और फॉर्म्स को करते हैं नॉर्मली वैसे ही सब कुछ वही प्रोसेस होगा, ऐसे ही आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं, पूरा फॉर्म भर सकते हैं आधार की स्लिप से। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस हमारा आधार कार्ड जो है आधार कार्ड की स्लिप यूज़ करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन का बटन जो आपको रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है इसको ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा,
कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उनका जो नोटिफिकेशन आपको मेल के द्वारा मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।